मौके की तलाश तो हर कोई करता है, लेकिन जो खुद मौका ढूंढ सके वो काबिल कहलाता है। जी हाँ, इंडियन यूथ कांग्रेस के हाल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियाज राइजिंग टैलेंट नामक शो की घोषणा की गई, जिसके तहत आपको स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर संगीत के माध्यम से आपको महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रहार करते हुए अपने टैलेंट का वीडियो बनाना होगा। इस प्रतियोगिता में काफी सारे स्तर होंगे और सभी भागीदारियों में से एक बनेगा इंडियाज राइजिंग टैलेंट का विनर। और जो भी युवा इसमें भाग लेंगे उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। सभी दर्शकों को सादर नमन, मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं देशित न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेहा सिंह राठौर, जो समसामयिक मुद्दों पर गीत लिखती हैं, जिनका एक गीत बहुत फेमस भी हुआ था कि बिहार में काबा, उसके बाद यूपी में काबा। तो मैं, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये इंडियन राइजिंग स्टार में काबा इसमें काबा मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा शो है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि हम किससे पूछे, है ना, तो वो आपको एक मंच मिलेगा वो सारी चीज़ें प्रदर्शित करने का। ठीक है मैम, इंडियन पॉलिटिक्स में मैम आप इसे, इस शो को कहाँ फिट देखती हैं, किस तरीके से देखती हैं, क्या ये पॉलिटिक्स में कुछ चेंज करेगा इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में? पता, मुझे नहीं पता कि ये पॉलिटिक्स में कितना चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जो कलाकार है उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो बस अपनी बात कहता है ना, तो मुझे नहीं पता कि कितना फ़र्क पड़ेगा या कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम अपनी बात कहना तो नहीं छोड़ देंगे। कलाकार अपनी कलम तो नहीं छोड़ देगा ना, या फिर कलाकार अपनी कला तो नहीं छोड़ देगा ना, तो मुझे नहीं पता कितना फ़र्क पड़ेगा, पर देखते हैं। मैम हाल ही में एक योजना है अग्निपथ योजना, जो कहीं ना कहीं बेरोजगार जो युवा हैं इससे इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैम एक बेरोजगार पर मैम आपकी लिखी हुई गीत हो जाए। घमके घमाइल दहिया भइल जाता करिया, भरती निकाली साहेब बीतल जाता उमरिया, भरती निकाली साहेब। अरे चाही परमानेंट ना चाही 4 साल वाला नौकरिया, हमसे ना होई साहेब अग्निवीर के बेगरिया, हमसे ना होई साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने इंडियन राइजिंग स्टार की शुरुआत की है, देखना दिलचस्प होगा कि ये युवाओं को किस प्रकार का कला का मंच देता है। आप देख रहे थे देशित न्यूज़, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।